आज के हम इस वीडियो में एक सिंपल सपोर्ट बीम पर यूडीएल और पॉइंट लोड दोनों लेकर के कर्तन बल आरेख और नमन गुण आरेख बनाएंगे। ठीक है, तो देखो मैं एक यहाँ पर आपका एक बीम ले रहा हूँ। ठीक है, इस बीम को दो सपोर्टों पर टेक दे रहा हूँ। ये सपोर्ट ए है और ये सपोर्ट हमारी बी है। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी आर ए और ये हो जाएगी हमारी आर बी। ठीक है, अब मैं इस पर क्या करूँगा, एक यूडीएल लगाऊंगा और एक पॉइंट लोड लगाऊंगा, या फिर मैं दो पॉइंट लोड लगा देता हूँ और एक यूडीएल लगा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ से मैं यूडीएल लगा रहा हूँ, ये मैंने यूडीएल लगा दिया। ठीक है, और ये यूडीएल मान लीजिए मैंने 5 न्यूटन पर मीटर का लगा दिया। ठीक, अब मैं पॉइंट लोड लगाने की बात कर रहा हूँ, तो पॉइंट लोड इन्हीं दोनों के बिंदुओं पर लगाऊँ या फिर थोड़ा दूरी पर लगा दूँ। तो चलो एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा दूरी पर लगा लेते हैं, बाद में देख लेंगे इसको। ठीक है, तो मान लीजिए 4 न्यूटन वाला ले लिया मैंने और यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर दूरी ले ली और ये वाले भी हमने 1 मीटर दूरी ले ली। इसी प्रकार मैंने यहाँ पॉइंट लोड लगाया और मान लीजिए 5 न्यूटन का लगाया और दूरी भी हमने बराबर ले ली, इधर भी 1 मीटर और इधर भी 1 मीटर। ठीक है, इस तरह से मैंने दूरी ले ली। अब क्या करना है मुझे, इस पर कर्तन बल आरेख और नमन गुण आरेख बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं हल्की हल्की लाइन खींच देता हूँ नीचे के लिए। ठीक है, जो मैंने बल लिए वहाँ से नीचे लाइन खींच देता हूँ। ठीक, इस तरह से मैंने लाइनिंग बना दी है। ठीक है, और यहीं पर हम एस एफ डी डायग्राम बनाएंगे, शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है, कर्तन बल आरेख एस एफ डी। ठीक, ये पॉइंट बना लेंगे, मान लीजिए ए बी हो गया, ये सी ले लेते हैं, ये डी ले लेते हैं, ये ई पॉइंट ले लेते हैं, ये एफ पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से ए बी सी डी ई और ये एफ पॉइंट। ठीक है, इस तरह से हमने ले लिया। सबसे पहले कर्तन बल आरेख बनाने से पहले हमें क्या है, सपोर्ट निकालनी पड़ती है, प्रतिक्रिया बल, जो हमें आर ए और आर बी है ये दोनों पहले फाइंड आउट करनी पड़ेंगे, दोनों निकालनी पड़ेंगे। ठीक है, तो निकालने के लिए हमारे पास, मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में भी समझाया किस तरह से निकाल लें। ठीक है, उसी तरह से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला पॉइंट लेंगे, क्या लेंगे, समेशन एफ इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो समेशन एफ इक्वल टू जीरो लेंगे। ठीक, और नीचे से जो बल लगेंगे उन्हें प्लस लेंगे और ऊपर से जो बल लग रहे हैं उनको हम माइनस लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम दोनों बलों को काउंट कर लेंगे, नीचे और ऊपर वाले बलों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम आर ए लग रहा नीचे से, तो आर ए हो जाएगा। ठीक, ऊपर से लग रहा माइनस के 5, तो 5 न्यूटन हो गया। और फिर माइनस के ये हमारा यूडीएल लग रहा है, ये पहले आर ए हो गया, ये माइनस के 5 हो गया, ऊपर से यूडीएल लग रहा है, तो यूडीएल कितना हो जाएगा, 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, 5 × 20 माइनस के 4 प्लस के आर बी इक्वल जीरो, क्योंकि देखिए ये आर ए हो गया नीचे से, ऊपर से 5 हो गया, फिर ये यूडीएल है, इसका पॉइंट लोड बनाएंगे तो डिस्टेंस इनटू यूडीएल का मल्टीपल कर देंगे तो हमारा पॉइंट लोड बन जाएगा 20। ठीक, उसके बाद ये 4 न्यूटन लग रहा है तो ये हमारा 4 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, माइनस के, और ये हमारे नीचे से आर बी लग रही है तो प्लस का आर बी हो जाएगा, इक्वल जीरो। ठीक है, तो कितना हो गया देखो, 20 और 4 = 24, 24 और 5 = 29, तो आर ए प्लस आर बी इक्वल कितना हो गया, 29 न्यूटन। क्वेश्चन मान लेंगे इसको हम फर्स्ट। ठीक है, ये 5, 25 और 29। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड क्या होता है, समेशन एम इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो समेशन एम इक्वल टू जीरो देखते हैं क्या निकल रहा है, समेशन एम इक्वल जीरो, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, और किसी पॉइंट के अबाउट हमारा एंटी क्लॉक वाइज हम उसको प्लस लेंगे और क्लॉक वाइज को हम माइनस लेंगे। ठीक है, इस तरह से, तो मान लीजिए ए पर मैं घूर ले रहा हूँ, ए बिंदु पर। ठीक है, तो ए पर घूर लेने पर, तो ए बिंदु ये हमारा यहाँ पर घूर लेंगे, तो यहाँ पर हमारा आर ए डिस्टेंस, आर ए तो बोल लग रहा है लेकिन डिस्टेंस क्या है, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो आर ए इंटू जीरो हो जाएगा, आर ए इंटू जीरो। अब देखिए ये कैसे घूम रहा हमारा, इस तरह से घुमाने की कोशिश करेगा, इस तरह से घुमाने की कोशिश करने का मतलब क्या हो गया, हमारा क्लॉक वाइज घूम रहा है, क्लॉक वाइज घूमने का मतलब हमारा माइनस रहेगा, तो माइनस के 5 × 5 तो बल हो गया, 5 न्यूटन का बल लग रहा है, 5 न्यूटन बल हो गया, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, लंबा दूरी 1 मीटर। ठीक है, तो इंटू 1,
ठीक। अब उसके बाद यूड्यूल लग रहा है, तो यूड्यूल ऊपर से लग रहा है, वो भी क्लॉकवाइज घुमाएगा कितना 20 का, तो 5 24 होकर पॉइंट क्लोड हो गया। आप देखिए पॉइंट क्लोड, अब डिस्टेंस कितनी होगी, देखो यहाँ से एक और एक दो, यहाँ तक ए से लेके ई पॉइंट तक 2 मीटर होगी डिस्टेंस। उसके बाद यूड्यूल कहाँ पर काम करता है, सेंटर पॉइंट पर, तो 4/2 हो जाएगा, तो मतलब 2 मीटर बनेगी, 4/2 का मतलब सेंटर पॉइंट मतलब 2 निकला है, तो एक और दो और दो और दो कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। उसके बाद फिर सी पॉइंट पर हमारा 4 मीटर वाला लग रहा है, ऊपर से ये भी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो 4 डिस्टेंस देखो, 1 2 और 4 6 और 1 7, तो कितना हो जाएगा 7। अब देखिए प्लस, क्योंकि ये वाला कैसे घुमाएगा, इस तरह से, इस तरह से घुमाने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम के ले रहे हैं प्लस, तो आर बी इंटू कितना हो जाएगा, देखो 1 2 2 और 4 6 6 7 और 1 8, तो 8=0, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, बचता हमारे पास -5 -20 = 80, ठीक है, और -7 = 28 प्लस आर बी इंटू 8=0, ठीक है। अब यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 80 और 20 100 108 108 और 5 113, तो इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो आर बी इंटू 8=113 न्यूटन, ठीक है। यहाँ से हम आर बी निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। अब ये हमारा 113 आ गया, यहाँ से आर बी निकालेंगे, तो आर बी इक्वल टू कितना निकलेगा, तो ये कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर लेते हैं हम, 113 ठीक है डिवाइडेड बाई 8, ठीक, तो ये निकल गया हमारा पास में 14.125, तो आर बी इक्वल टू मैं यहाँ लिख देता हूँ, आर बी इक्वल निकला हमारे पास 14.125 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद आर ए निकालेंगे हम, तो आर ए कितना निकलेगा, आर इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ से आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 29 है, ठीक है, तो वाइन माइनस कर देंगे इसमें से -29, तो ये निकलेगा हमारे पास में 14.875, प्लस में निकलेगा, वो मैंने वैसे घटाया ना इसलिए वो माइनस दिखा रहा है, ठीक है, 14.875 न्यूटन, तो ये हमारा आर ए और आर बी दोनों को कैलकुलेट हो गए, ठीक है। अब बनाएंगे एस एफ डी डायग्राम, ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, तो एस एफ डी डायग्राम बनाएंगे, तो एस एफ डी लिख देंगे शेयर फोर्स डायग्राम, है ना, ये कर्तन बल आरेख होता है, और इसमें हम कर्तन बल आरेख में बल ही बल लेंगे केवल, ठीक है, कर्तन बल आरेख बनाने के लिए बल ही लेंगे, ठीक है। तो बल लेने का मतलब कि जितने बार पॉइंट लोड लग रहे हैं, या यू डी एल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके फिर पॉइंट लोड को बनाएंगे, ठीक है। तो हम बी पॉइंट से चलते हैं, तो नीचे से जो लगेगा हम उसको प्लस लेंगे, और ऊपर से जो बल लगेगा उनको हम माइनस लेंगे, ठीक है। अब बी पॉइंट पर आते हैं हम, बी पॉइंट पर देखो, बी पॉइंट पर बाहर की तरफ लेंगे तो 0, अंदर की तरफ लेंगे तो आर भी लग रहा है, ठीक है, दोनों पॉइंट दोनों तरह से बताता हूँ आपको। तो देखो बी पॉइंट पर मैं लेता हूँ एफ बी, तो बाहर की तरफ लेता हूँ तो 0 रहेगा, बाहर की तरफ मतलब इस पॉइंट से इधर साइड में लूँगा तो 0, क्योंकि कोई बल ही नहीं है तो 0 ही रहेगा। अब थोड़ा सा इधर लूँगा तो आर बी बल लग रहा है ना, तो देखो अब दोबारा मैं बी पॉइंट पर पुनः दोबारा से लेता हूँ इधर साइड में, तो कितना लग रहा है आर बी, आर बी इक्वल टू कितना निकाला था हमने भी 14.125 न्यूटन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखिए बी पॉइंट के बाद फिर कौन सा पॉइंट लोड, सी पॉइंट, तो सी पॉइंट पहले निकालूंगा तो ये 14 पॉइंट ये लग रहा था वही रहेगा, देखो देखो एफ सी पॉइंट पर इधर की तरफ निकालूंगा मैं तो वही सेम रहेगा 14.125, ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन अब जब सी पॉइंट पर एफ सी इधर की साइड निकालूंगा मतलब इस पॉइंट से थोड़ा इधर, तो ऊपर से माइनस के 4 पॉइंट लोड और लग रहा है, देखो 14.125 जो होगा तो हो गया, क्योंकि ये पहले से चल रहा था हमारे पास में, लेकिन ऊपर से कितना और लग गया माइनस के 4, क्योंकि ऊपर वाला बल को हम माइनस लेते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास फिर 10.125 न्यूटन, ठीक है, यहाँ तक सी पॉइंट तक। अब डी पॉइंट पर निकालेंगे तो डी पॉइंट से पहले लेंगे तो यही निकल के आएगा हमारा, देखिए एफ डी इधर की तरफ मतलब डी पॉइंट से इधर, तो कोई पॉइंट लोड नहीं, इसके कारण जो बल निकला वही बल रहेगा, ठीक है, तो कितना निकला था 10.125 न्यूटन, ठीक है। अब डी पॉइंट पर पुनः निकालेंगे इधर की तरफ, तो इधर की तरफ निकालेंगे तो यू डी एल लग रहा है, यू डी एल की तरफ बढ़ते हुए जाएगा, डी पॉइंट से इधर जितना बढ़ जाएंगे वो डिस्टेंस के हिसाब से बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो सेम इसी पॉइंट पर हम मान लेते हैं कि डी पॉइंट पर ये लग रहा है, और डी पॉइंट पर हमारा यही रहेगा, क्योंकि डी पॉइंट से थोड़ा सा इधर लेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो वही रहेगा 10.125, ठीक है, डी पॉइंट पर दोबारा से पुनः, ठीक, क्योंकि डी पॉइंट पर पहले इधर निकाला और इधर निकाला तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब ई पॉइंट पर निकालेंगे,
तो देखिए ई पॉइंट पर कितना निकलेगा एफ ई, इधर साइड में निकालेंगे तो इधर साइड में निकालेंगे ई पॉइंट पर, इधर तो ये पूरा यूडीएल लग रहा है, वो डी पॉइंट से लेकर के यहाँ तक यूडीएल लग रहा है, तो इसके लिए यूडीएल के लिए कितना निकलेगा ई पॉइंट पर इधर साइड लेंगे, ठीक है। तो कितना निकलेगा देखो, इसका ऊपर से माइनस हो जाएगा, कितना लग रहा था पहले से 10.125 न्यूटन माइनस के, माइनस कितना हो जाएगा देखो, यूडीएल को पॉइंट रोड में कन्वर्ट करेंगे तो ये बल यूडीएल, ठीक है, 5 न्यूटन पर मीटर का, 1 मीटर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, और कितनी डिस्टेंस पर 4 पर, तो 5 गुणा 4 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10.125 माइनस के 20, ठीक। तो अब देखिए क्या निकलता है हमारा, ये दोनों तरफ इतना ही निकलेगा, इसलिए मैं दोनों तरफ एक ही निशान लगा देता हूँ, इधर भी और इधर भी दोनों तरफ वही निकलेगा, क्योंकि देखो इधर से यूडीएल की तरफ इधर निकलेगा, इधर बाहर जाओ तो भी वही निकलेगा, ठीक है, सेम वही निकलेगा, ठीक है। तो देखिए ये 10.125 ठीक है माइनस के 20, तो ये निकल के आएगा माइनस के 9.875, तो ये निकला है माइनस के 9.875 न्यूटन माइनस में आएगा, ठीक है। अब देखो मैंने दोनों तरफ ले लिया ई पॉइंट पर, इधर भी यही रहेगा सेम और इधर भी यही रहेगा, इसी प्रकार मैं डी पॉइंट पर भी ले सकता था, इधर भी सेम रहता है इधर भी सेम रहता है, लेकिन मैं समझाने के लिए पहले अलग अलग ले लिया, फिर ये ले लिया, ठीक है। अब एफ पॉइंट से पहले लेंगे थोड़ा सा, तो एफ सफिक्स में भी एफ इधर की तरफ लेंगे तो माइनस के 8.875 रहेगा, ठीक है, क्योंकि एफ पॉइंट से इधर लिया, ठीक ये रहेगा हमारा, ठीक जो पहले से चल रहा था। अब देखिए एफ पॉइंट पर दोबारा से इधर की तरफ लेंगे तो पॉइंट लोड ऐड हो जाएगा, एफ पे पॉइंट लोड जो लग रहा है, ठीक है। देखो कितना लग रहा है, माइनस के 9.875 था, ठीक, माइनस के 5 और लग जाएगा, क्योंकि ऊपर से जो पॉइंट लोड रहा है वो माइनस में रहेगा, और ये हो जाएगा हमारा 9 और 5 14, तो माइनस के 14.875 हमारा इसी पॉइंट पर निकल आएगा इधर की तरफ, ठीक है। तो ए पॉइंट से पहले लेंगे थोड़ा सा तो यही रहेगा, एफ ए इधर की तरफ लिया तो सेम वही रहेगा, माइनस के 14.875 न्यूटन, ठीक है। अब ए पॉइंट पर हम दोबारा से निकालेंगे राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है, ये राइट साइड में निकाल लिया, अब लेफ्ट साइड की तरफ तो ए आर ए और रेड हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस के 14.875 था और प्लस के हमारे 14.875 ऐड हो जाएगा, क्योंकि आर ए की वैल्यू क्या 14.875 नीचे से लग रहा है, इसलिए क्या हो गया प्लस, तो इक्वल टू क्या निकलेगा 0, तो ये हमारा 0 न्यूटन निकलेगा, ठीक है। अब देखिए हम डायग्राम बनाना कंप्लीट करते हैं, डायग्राम क्या बनेगा डायग्राम बना लेते हैं पहले, उसके बाद हम बी एम डी निकाल लेंगे। तो देखो बी पॉइंट पर बनाएंगे, पहले 0 था, ठीक है, उसके बाद 14.125, तो मान लीजिए हमारा यहाँ पहुँच के ये 14.125 हो गया, यहाँ लिख देंगे 14.125, यहाँ से सेम इसी प्रकार से यहाँ तक जाएगा, क्योंकि देखो एफ सी पॉइंट पर हमने निकाला तो सी पॉइंट तक यही निकला, ठीक है, लेकिन सी पॉइंट पर पॉइंट लोड के कारण कितना हो गया 10, तो हल्का सा नीचे आ गया, ठीक, और ये हो गया हमारा 10.125, ठीक है 10.125। उसके बाद डी पॉइंट तक वही रहेगा क्योंकि कोई लोड नहीं लग रहा, हो गया डी पॉइंट पर दोबारा से पुनः यही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन ई पॉइंट पर जाकर के चेंज हो जाएगा, क्योंकि ई पॉइंट पर जाकर के ये पॉइंट लोड निकला तो माइनस में पहुँच गया, माइनस के 9.875, तो यहाँ से अब हम माइनस की तरफ चले जाएंगे, तो ये हो गया माइनस में, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर कितना पहुँचेगा माइनस में, और कितना माइनस में पहुँचा 9.875 हो गया हमारा इस जगह पर, ठीक है, और इस जगह पर वही 10.125 था इस जगह पर, क्योंकि चेंज नहीं हुआ था, ठीक। उसके बाद एफ पॉइंट पर वो 9.875, तो ये सेम देखो यहीं तक सेम रहा, ठीक है, उसके बाद एफ पॉइंट पर पॉइंट लोड के कारण कितना हो गया फिर 14 पॉइंट, तो नीचे की तरफ चले गए, ठीक है, और ये हो गया 14.875, और फिर उसके बाद ए पॉइंट पर पुनः 14.875 रहेगा, उसके बाद क्या होगा 0, तो यहाँ से ये 0 चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा एस एफ डी का डायग्राम जो शियर फोर्स कर्तन बल आर ए के लिए हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम बनाते हैं बी एम डी, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो देखिए यहाँ पर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, बी एम डी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते समय हमारे पास वही कंडीशन फॉलो करेंगे जो हमने सेकंड पॉइंट पर करी, समय संग एम इक्वल टू 0, एम इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या घूड़ी इक्वल टू बल गुणा लंबवत दूरी, और क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज का ध्यान रखेंगे, जो एंटी क्लॉक वाइज होगा उसको प्लस लेंगे और क्लॉक वाइज होगा उसको हम माइनस लेंगे, ठीक है। तो बी पॉइंट से बनाना स्टार्ट करते हैं, तो एम बी, बी पॉइंट को हम क्या लेंगे एम बी लिखेंगे, तो एम बी इक्वल टू
तो देखो फोर्स तो लग रहा हमारा आर बी, लेकिन इस पॉइंट पर मूवमेंट लेंगे तो आर बी इंटू क्या हो जाएगा जीरो, तो क्या हो जाएगा पूरा जीरो, तो आर बी इंटू जीरो तो जीरो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो बी पॉइंट पर तो जीरो निकलाया, अब लेंगे हम सी पॉइंट पर, ठीक है। तो वहीं पर आगे चल के सी पॉइंट पर ले लेता हूँ, सी पॉइंट पर, तो सी पॉइंट पर लेंगे तो देखो ये एंटी क्लॉक आज घूम रहा, तो एंटी क्लॉक हम प्लस लेते हैं आर बी, क्योंकि ये यहाँ से ऐसे घूमेगा तो आर बी हो गया, तो आर बी वैल्यू क्या निकली 14.125, तो आर बी कितना 14.125 इंटू डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सी पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक डिस्टेंस कितना 1 मीटर, तो इंटू 1 करेंगे तो सेम वही निकल के आएगा 14.125 न्यूटन मीटर। आप कहेंगे सी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर बल तो लग रहा हमारा 4 न्यूटन का, लेकिन लंबा दूरी क्या हो जाए जीरो, तो इसलिए हमने इसको लिखा नहीं क्योंकि इसकी दूरी क्या है जीरो, इसलिए जीरो हो जाएगा। अब लेंगे डी पॉइंट पर, ठीक है। तो एम डी, तो डी पॉइंट पर लेंगे तो आर बी, तो आर बी हमारे पास 14.125 और डिस्टेंस क्या हो जाए डी पॉइंट से बी पॉइंट तक, क्योंकि बी पॉइंट पर हमारा आर बी लग रहा है, तो 1 और 1 2 प्लस में रहेगा क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है 14.125 और एंटी क्लॉक आज घुमा रहा है इंटू 2, क्योंकि आर बी क्यों हो गई और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 और 1 2, ठीक है। बी पॉइंट से अब इधर से सी पॉइंट भी लग रहा है तो सी पॉइंट क्लॉकवाइज घुमाएगा, इस तरह से घुमाने की कोशिश करेगा क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस के 4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाए 1, यहाँ से यहाँ तक देखिए डिस्टेंस क्या दे रखिए 1 दे रखिए, ठीक है। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन क्या निकलती है ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 14.125 ठीक इंटू 2 माइनस के 4, तो 24.25 निकला है हमारा, तो 24.25 न्यूटन मीटर, ये हमारा डी पॉइंट पर निकला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ई पॉइंट पर निकालेंगे, ठीक है। तो ई पॉइंट पर क्या निकलता है देख लेते हैं, तो 14.125 इंटू परपेंडिकुलर दूरी कितनी हो जाएगी देखिए, अब ई पॉइंट पर निकालना है ई पॉइंट से बी पॉइंट तक, क्योंकि आर बी लग रहा है 14.25 जो बी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट के लिए 4 और 1 5 और 1 6, तो इंटू कितना हो जाएगा 6 माइनस के, क्योंकि ऊपर से लग रहा है क्लॉक वाइज घुमा रहे इसलिए माइनस, तो 4 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी 4 और 1 5, क्योंकि ई पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक की 4 और 1 5 है, तो माइनस के 4 इंटू 5 माइनस, क्योंकि देखो यूडीएल जो लग रहा है ये भी माइनस में लगेगा, ऊपर से रोटेट करेगा तो ऐसे करके घूमेगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो इसको पहले पॉइंट लोड बनाएंगे तो 5 गुणा 4 ठीक है, और 4/2 क्योंकि सेंटर पॉइंट पर लगेगा ना, तो 5 20 इंटू 2 क्योंकि सेंटर पॉइंट 4/2 करेंगे 2 ही निकलेगा, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन क्या निकल के आती है हमारी, तो देखिए 14.125 × 6 माइनस के 20, क्योंकि जो देखो 520 हो गए, ठीक है, माइनस 20 × 40 तो ये निकल गया 24.75, देखो सेम निकल के आया 24.75 था 2.25, तो एक बार दोबारा कैलकुलेशन कर लेते हैं, कोई गलती तो नहीं हो गई, दोबारा कैलकुलेशन कर लेते हैं 14.125 × 6 ठीक है, माइनस के 4×20 और 20 × 40 40 और 20 कितना हो जाएगा 60, तो माइनस के 60 कर देते हैं, वही निकल गया 24.75 न्यूटन मीटर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। अब हमने ई पॉइंट पर निकाल लिया, अब निकालेंगे एफ पॉइंट पर, देखो तो मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ एफ पॉइंट पर, उधर उधर जगह कम बची है हमारे पास में, तो एफ पॉइंट पर मैं निकालता हूँ, तो एम एफ, ठीक है। तो देखो आर बी की वैल्यू वही है 14.125 इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगी एफ पॉइंट से, देखो 1 और 4 5 6 7, तो इंटू कितना हो जाएगा 7 माइनस, क्योंकि ये तो एंटी क्लॉक वाइज घूमेगा इसलिए माइनस हो गया, बाद बाकी देखो ऊपर से क्लॉक वाइज घूमेगा ये भी क्लॉक वाइज, तो ये प्लस माइनस में हो जाएंगे, ठीक है ठीक है। तो 4 देखो 4 मीटर का बल लग रहा है, देखो डिस्टेंस 1 और 4 5 और 1 6, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस, क्योंकि ऊपर से यूडीएल लग रहा है, यूडीएल का पॉइंट लोड बनाया तो 20 हो गया, इंटू डिस्टेंस देखो कैसे लेंगे, 1 तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो कोष्टक लगा के 1 प्लस, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1 और इसका सेंटर पॉइंट पर काम करता है तो क्या कर देंगे 4/2 कर देंगे, ठीक है, और कोई पॉइंट लोड लग नहीं रहा, अब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन देखो क्या निकल के आती है हमारी, 14.125 × 7 माइनस के 24 और माइनस के इसको करेंगे तो देखो 4/2 तो 2 हो गया, 1 3 हो गया, तो 20 दिया 60,
ठीक है, तो इनटू सॉरी 20 30 60, तो माइनस के कितना कर देंगे 20 30 60 कर देंगे, तो निकल के आया हमारा 14.875 न्यूटन मीटर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखिए, अब ए पॉइंट को निकालेंगे, तो एम ए, तो ए पॉइंट के लिए देखो बी पॉइंट तक की डिस्टेंस, क्योंकि बी पॉइंट पर कितना लग रहा है 14.125 इंटू डिस्टेंस लेंगे देखो बी पॉइंट तक की, तो एक और एक दो, दो और चार, छः सात आठ, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस के 4, देखो ये 4 लग रहा है और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 7, ठीक, माइनस के यूटीएल 20 और डिस्टेंस देखिए कितनी हो जाएगी, एक और एक दो, दो ऐड हो जाएगी 2+2, क्योंकि 4/2 हो जाएगा, माइनस के 5 इंटू 1। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या कैलकुलेशन निकलेगी हमारी। ठीक है, तो देखिए 14.125 इंटू 8 माइनस के 7 × 28 माइनस 28, फिर उसके बाद हो जाएगा ये हमारा 20 × 4, तो 20 × 80, ठीक है, तो माइनस के 80, ठीक है, उसके बाद माइनस के 5, तो क्या होगा 0, तो ये क्या निकलेगा 0 न्यूटन मीटर। इस तरह से हमारी ये बीएमडी कंप्लीट हो गई। अब देखो बीएमडी डायग्राम बनाएंगे हम, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं सभी पॉइंटों को, देखो बीएमडी डायग्राम बनाएंगे हम, तो पॉइंट हमने नीचे ले लिए, ठीक है, और नीचे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बीएमडी डायग्राम बनाना कंप्लीट करेंगे, तो ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, सी डी ई और ये एफ, ठीक है, बीएमडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो देखो ए पॉइंट पर तो 0 था, तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 न्यूटन मीटर हो गया। अब देखिए डी पॉइंट, सॉरी बी पॉइंट था, ये बी पॉइंट का डी पॉइंट पर आया था 24.25, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर 24.25, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, तो 24.25 लिख देंगे यहाँ पर 24.25, ठीक है। उसके बाद ई पॉइंट पर हमारा वो 24.75, ठीक है, ई पॉइंट पर हमारा कितना रहा 24.75, ठीक, डी पॉइंट, ये तो सी पॉइंट था ना, एक मिनट गलती हो गई, ये यहाँ पर है ना 14 पॉइंट, सी पॉइंट पर 14.125 आया था, ये गलत कर दिया हमने, 14.125 हो गया यहाँ पर, ठीक है, 14.125 सी पॉइंट पर, क्योंकि बी पॉइंट का सी पॉइंट है ना, ये ध्यान रखना है, बी पॉइंट का सी पॉइंट, उसके बाद डी पॉइंट आएगा, तो डी पॉइंट हमारा इससे और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमारा यहाँ से इस जगह से और ऊपर चला गया, ये यहाँ पर निकल के आया 24.25 डी पॉइंट पर, तो डी पॉइंट पर 24.25 लेंगे, क्योंकि बी पॉइंट से सी पॉइंट पहुँचे, सी पॉइंट पर 14.125, तो इससे और ऊपर पहुँचे तो 24.25 हो गया। ठीक है, उसके बाद ई पॉइंट पर जाएंगे, तो ई पॉइंट पर कितना है हमारा, ई पॉइंट पर निकल गया 24.75 ना, तो 24.75 हल्का सा इससे ऊपर लेना पड़ेगा, ये हो गया 24, इधर लिख देता हूँ 24.75, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ से अब यहाँ पर ये दोनों पॉइंट हमने निकाल लिए, चलो मैं बाद में बताऊंगा, इसको मिला नहीं रहा हूँ, छोड़ देता हूँ। ठीक है, इसके बाद ई पॉइंट के बाद एफ पॉइंट, एफ पॉइंट हमारा ये निकला 14 पॉइंट, ठीक है, तो 14.875, देखो यहाँ पर मान लीजिएगा ये हमारा यहाँ पर आ गया 14.875, ठीक है, ये पॉइंट लोड से, पॉइंट लोड की वजह से डायरेक्ट मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 0, तो ये हमारा 0 हो गया, ठीक, इस पॉइंट पर 0 हो गया, इस तरह से हो गया ये हमारा 14 पॉइंट, यहाँ पर 14.875, ठीक है। अब देखिए ये दोनों पॉइंट यहाँ पर हो गए, लेकिन ये दोनों पॉइंट डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, यहाँ पर पैराबोला बनता है हमारा, क्योंकि जहाँ यूडीएल होगा हमारा पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों के लिए पैराबोला बनाने के लिए अब हमें ये देखना पड़ेगा कि पैराबोला बनेगा कितना, ऊंचा जाएगा नीचे जाएगा, तो इसको लेने के लिए हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास तो एसएफडी डायग्राम, तो ये वाला डायग्राम है एसएफडी डायग्राम, ये यहाँ से इस पॉइंट को, इन दोनों चीज़ों को देख लेते हैं, जहाँ एसएफडी डायग्राम है वहाँ पर जहाँ जीरो कटता है वहाँ से हम निकाल लेते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम जो निकलेगा इसी पॉइंट पर निकलेगा, जहाँ पर हमारा शेयर फोर्स डायग्राम जो जीरो हो रहा है ना, तो ये अगर हमने एक्स मान ली दूरी, तो ये हमने कितना माना पड़ेगा फिर 4 - x, क्योंकि टोटल कितनी दूरी रखी है 4, तो 4 - x हो जाएगी। यहाँ से हम समरूप त्रिभुज की वजह से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज की वजह से हम x की वैल्यू मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। ठीक है, समरूप त्रिभुज है इसलिए x की वैल्यू यहाँ निकाल लेंगे, तो आपका क्या कहता है, लंबवटे आधार छोटे त्रिभुज का इक्वल टू बड़े त्रिभुज का लंबवटे आधार। ठीक है, तो छोटे त्रिभुज का लंबवटे आधार लेंगे हम। ठीक है, तो छोटे त्रिभुज का लंब कितना दिया 10.125, तो 10.125 अपॉन एक्स इक्वल लंबवटे आधार हो गया, अब ये लंबवटे ये आधार हो जाएगा, तो 9.875 अपॉन
फोर माइनस एक्स, ठीक है, ये हो गया। आप क्रॉस मल्टीपल उड़ा कर देंगे, एक दूसरे से उड़ा कर देंगे, तो ये निकल के आएगा हमारा 9 पॉइंट, क्रॉस मल्टीपल इस तरह से उड़ा कर देंगे तो 9.875 इंटू हो जाएगा एक्स इक्वल, ठीक है। अब इसका इससे उड़ा करेंगे, ठीक है, तो ये निकल के आएगा आपका, कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए ये क्या है, 10.125, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा 4, तो 4 का मल्टीपल कर देंगे तो 40.5 निकल आएगा। तो 40.5 माइनस के 10.125 एक्स, 10.125 एक्स को इधर ले आएंगे, ठीक है, तो 10.125 एक्स इसमें जुड़ जाएगा 9.875, ठीक है, प्लस 10.125, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये निकल जाएगा 20, ठीक है। तो ये 20x हो जाएगा हमारा, 20x इक्वल हो जाएगा 40.5, यहाँ से x निकालेंगे तो ये निकल आएगा आपका x जो है 40.5 डिवाइडेड बाय 20, 20, तो ये निकल जाएगा हमारे पास 2.025। तो ये हमारे x की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। जब हमारे पास x निकल आएगा तो x निकालने के बाद क्या होगा, यहाँ पर हमें पुनः दोबारा से मूवमेंट लेना पड़ेगा इसी पॉइंट पर, ठीक है। तो इस पॉइंट पर मान लीजिए ये पॉइंट मान लिया हमने x, ठीक है, ये हमने जो पॉइंट निकला x निकाला, तो x पर हम मूवमेंट लेंगे तो एम एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो इधर साइड से इधर सारी वैल्यू हमें काउंट करनी पड़ेगी, कहने का मतलब इस पॉइंट से इधर जितने और बल लग रहे थे वो दोबारा से पुनः लेना पड़ेगा। तो बी पॉइंट पर हमारा देखो आर भी लग रहा है, और आर भी कितना लग रहा है, 14.125, और डिस्टेंस क्या हो जाए, देखो डिस्टेंस अब काउंट करनी पड़ी, तो 1 और 1 2, 2 प्लस एक्स की डिस्टेंस निकली, तो एक्स इक्वल टू कितना निकला, ये निकला, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो 1 तो ये हो गया 1 और 1 2, 2 प्लस 2 तो 4.025, तो 4.025, क्योंकि डिस्टेंस हमें काउंट करनी है। देखो एक और एक दो, एक ये हो गई एक ये दो, और यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू निकली वो निकली 2.025, ठीक है, तो काउंट करेंगे, ठीक है, तो 2.025 ये हमारी एक्स की वैल्यू निकली है, ठीक। माइनस के अब ऊपर से फोर्स लग रहा 4, तो 4 गुणा अब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो एक तो ये हो गई यहाँ से यहाँ तक, बाद बाकी दो ये लग रही 2 पॉइंट, तो ये निकलेगा 3.025, ठीक है। उसके बाद माइनस, क्योंकि ये तो पॉइंट लोड हो गया, अब यूडीएल भी तो काम कर रहा है इतनी जगह पर, तो यूडीएल काम कर रहा है कितना, 5 गुणा 2.025, ये तो हो गया पॉइंट लोड। अब पॉइंट लोड का हाफ भी तो करना पड़ता है हमें, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 2.025 अपॉन 2, इस तरह से हम इसका हाफ करेंगे, ठीक है। तो अब इसके हम कैलकुलेशन कर लेंगे, क्या निकल के आएगी, जो कैलकुलेशन निकल के आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा, उतना ही हमारा ऊपर जाएगा। तो देखिए कितनी निकल रही है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 14.125 इंटू 4.025, ठीक है, माइनस के 4 गुणा 3.025, ठीक है, माइनस के 5 इंटू ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 मत करो इसको, इसको 2.5 कर लो, क्योंकि हाफ कर देंगे इसका, 2 का डिवाइड कर देंगे 5 में, तो 2.5 हो जाएगा, 2.5 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 2.025 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 0.25 दो बार है ना, तो होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये निकल के आएगा हमारे पास 34.50, मैं इतना ही ले रहा हूँ, आगे नहीं ले रहा, न्यूटन मीटर। तो देखिए ये मैक्सिमम निकल के आएगा, तो इसी पॉइंट पर ये जो पॉइंट जो था हमारा, इसको हल्का सा नीचे लेंगे, और इसी पॉइंट पर हमारा ये पैराबोला बनाएंगे, ऊपर की तरफ जाएगा पैराबोला, इस तरह से बनता हुआ नीचे आ जाएगा इसकी, इस तरह से ना, तो ये पॉइंट जो निकलेगा यही हमारा मैक्सिमम पॉइंट होगा, और मैक्सिमम पॉइंट कितना निकला हमारा, 34.50। इस तरह से हमारा बीएमडी डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अगर बीएमडी डायग्राम में या एसएफडी डायग्राम में कहीं पर भी इस क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई नई वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएगा, ठीक, ओके।